नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। राशिफल के श्रृंखला में आज 12 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष नौवीं तिथि पूरे दिन रहेंगे। नक्षत्र घनिष्ठा ये 2:54 PM तक रहेंगे। घनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल होते हैं। चंद्रमा कुंभ राशि में पूरे दिन रहेंगे। राहु काल 10:44 सुबह से लेके 12:05 दोपहर तक। तो आइए आज का राशिफल शुरू करें। सबसे पहले मेष राशि। चंद्रदेव आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं और मंगल के नक्षत्र में, मंगल भी सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं। आज पार्टनरशिप व्यापार में काफ़ी लाभ होने वाला है, पार्टनर से भी काफ़ी लाभ होने वाला है। जमीन जायदाद के काम में आपको काफ़ी लाभ होगा। जो व्यक्ति शेयर सट्टा लॉटरी का काम करते हैं उन्हें भी काफ़ी लाभ होने की संभावनाएँ हैं। संतान पक्ष के स्वामी सूर्यदेव बृहस्पति के नक्षत्र में होकर सप्तम में बैठे हुए हैं, तो जिन व्यक्तियों के संतान बेरोजगार थे उनको भी रोजगार मिलने की संभावनाएं प्रबल हो रही है। शुक्र आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं, भाग भाव को भी काफ़ी प्रबल कर रहे हैं। शुक्र आपकी कुंडली में केतु के नक्षत्र में है, केतु अष्टम में बैठे हुए हैं। कोई नया काम आप करने की क्षमता आज के दिन रखते हैं और नए काम में आपको काफ़ी सफलता मिलने की संभावनाएं हैं। बृहस्पति और शनि दोनों बैठे हुए हैं दशम स्थान पर, जो आपके कार्य क्षेत्र को धीरे धीरे ही सही परंतु अच्छी स्थिति में ला रहे हैं। राहु आपके द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं धन भाव पर और राहु आपकी कुंडली में सूर्य के ही नक्षत्र में है। जमा पूंजी में थोड़ी बहुत कमी हो सकती है। अगर जमा पूंजी तोड़ने की आप कोशिश करेंगे तो कोई भी जमा पूंजी न तोड़ें। आज के दिन आप शुक्र के ही मंत्रों का जाप करें। ओम द्रौम द्रिम द्रौम स शुक्राय नमः, श्री शुक्त का पाठ करें, काफ़ी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। वृषभ राशि। चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके दशम स्थान पर, मंगल के नक्षत्र में, मंगल छठे स्थान में बैठे हुए हैं। काम धाम के सिलसिले में आप लोन वगैरह ले सकते हैं। शत्रु पक्ष तो उपद्रव करेंगे लेकिन सूर्य मंगल के रहने के कारण शत्रु आपसे हार मान जाएंगे और आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। जो व्यक्ति जमीन का काम करते हैं, जो व्यक्ति बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनके के लिए समय बहुत ही अच्छा है। पार्टनरशिप के व्यापार में थोड़ी तकलीफ आपको हो सकती है। 2:54 दोपहर के बाद चंद्रमा चले जाएंगे राहु के नक्षत्र में। राहु आपके कुंडली में लग्न और राशि पर बैठे हुए हैं। राहु भी सूर्य के नक्षत्र में है। स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। काम धाम को काफ़ी आप तेज़ी से करेंगे, काफ़ी धुन में काम धाम करेंगे और आपको फायदा भी होगा। कोई भी अनैतिक काम करना आज उचित नहीं होगा। जो व्यक्ति दवा का काम करते हैं 2:54 के बाद उन्हें काफ़ी फायदा होने की संभावनाएँ प्रबल हैं। शुक्र आपके बैठे हुए हैं अष्टम स्थान पर। शुक्र आपके कुंडली में लग्न भाव के ही स्वामी हैं और छठे स्थान के स्वामी हैं, तो शुक्र का अष्टम में बैठना बहुत ही अच्छा नहीं है। आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। किसी न किसी तरह का सर्दी खांसी का प्रकोप आपको ज़्यादा हो सकता है। आज के दिन शुक्रवार है परंतु दही का सेवन न करें तो ज़्यादा अच्छा है। शेयर सट्टा लॉटरी से 2:54 के बाद आपको काफ़ी लाभ होने की संभावनाएं हैं परंतु शत्रुओं से बच के रहें। 2:54 के बाद जो व्यक्ति दवा का काम करते हैं उन्हें काफ़ी फायदा होगा। आज जो व्यक्ति सिंगिंग का काम करते हैं उन्हें अच्छे और बड़े काम मिलने की संभावनाएं प्रबल होंगी। आज के दिन आप शिवलिंग पर दही दूध और मध का अर्पण करें। शिव जी पर दही दूध मध चढ़ाएँ और उसी से अपने माथे पर टीका लगाएं और शुक्र के मंत्रों का जाप करें, श्री सुक्तम का जाप करें, काफ़ी फायदे में रहेंगे, दिन आपका शुभ हो। मिथुन राशि। चंद्रदेव आपके भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं और चंद्रमा मंगल के ही नक्षत्र में है। मंगल आपके पंचम स्थान में बैठे हुए हैं। मंगल बुध और सूर्य
तीनों पंचम स्थान में बैठे हुए हैं और आपके एकादश स्थान को देख रहे हैं। काफ़ी शानदार समय है आपका, संतान की काफ़ी उन्नति होगी, संतान से काफ़ी लाभ होगा। अगर संतान आपकी उच्च शिक्षा प्राप्त करने चाहते हैं तो उसमें भी उनको काफ़ी लाभ होगा, काफ़ी सफलता मिलेगी। आय की स्थिति बहुत ही शानदार रहेगी, जो व्यक्ति सरकार से टेंडर लेके काम करते हैं उनके के लिए भी दिन बहुत ही शानदार है, जो व्यक्ति विदेश से काम करते हैं उनके के लिए भी दिन बहुत शानदार है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, परंतु पार्टनरशिप के व्यापार में भी आज काफ़ी लाभ होगा, स्त्री पक्ष से आपको काफ़ी लाभ होगा, यात्रा में काफ़ी लाभ होगा। शनि आपके अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं, शनि आपके कुंडली में चंद्रमा के ही नक्षत्र में है और चंद्रमा आपके कुंडली में द्वितीय स्थान के स्वामी है, शनि भी द्वितीय स्थान को देख रहे हैं। आज जमा पूंजी में बढ़ोतरी होगी। कुल मिलाकर मिथुन राशि वाले, दिन आज आपका बहुत ही शानदार है, इस शानदार दिन का पूर्ण फायदा उठावें, शिवलिंग पर गन्ने का जूस धीरे धीरे चढ़ावें और ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप करें, धन में वृद्धि होगी, दिन आपका शुभ हो। कर्क राशि, चंद्रदेव कुंभ राशि में बैठे हुए हैं जो आपकी अष्टम भाव की राशि है, चंद्रमा मंगल के ही नक्षत्र में है। आज जमीन जायदाद का कोई भी कार्य आप न करें, काफ़ी नुकसान होने की संभावनाएँ प्रबल हो जाएंगी। मंगल बुध सूर्य तीनों बैठे हुए हैं आपके चतुर्थ स्थान पर, दशम स्थान को देख रहे हैं, तो जो व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हैं, प्रशासन में है, पुलिस में है, वो भी हर काम सावधानी से करें, पढ़ना लेनी का देनी पड़ सकता है। दोपहर 2:54 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे राहु के नक्षत्र में, राहु आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं, राहु भी सूर्य के नक्षत्र में है, हर काम सावधानी से करने की ज़रूरत है। 2:54 के बाद अचानक बहुत बहुत इनकम होने की संभावना है, लेकिन गलत ढंग से इनकम करना आज के दिन आपको भारी पड़ सकता है, चाहे सरकारी नौकरी में हो या न हो। कोई भी गलत काम करेंगे तो आज के दिन बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। कर्क राशि वाले, आपको चंद्रमा अष्टम में बैठे हुए हैं, किसी भी तरह का यात्रा से अपने आप को दूर रखें, किसी भी तरह का यात्रा ना करें। शुक्र आपके छठे स्थान में बैठे हुए हैं, शुक्र भी केतु के नक्षत्र में है, संतान पक्ष से थोड़ी बहुत परेशानी होने की संभावनाएं प्रबल है, संतान के स्वास्थ्य से भी थोड़ी परेशानी होने की संभावनाएं प्रबल है। जो व्यक्ति हृदय रोगी हैं, सूर्य आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं, सूर्य भी आपके कुंडली में बृहस्पति के नक्षत्र में है और बृहस्पति लग्न को देख रहे हैं, लेकिन हृदय रोगी थोड़े सावधानी बरतेंगे आज के दिन। चंद्रमा 25 डिग्री पर चले गए हैं, 4-5 दिन की बात है, आप केवल सावधानी बरतें, किसी भी तरह का रोग हो तो तत्कालीन डॉक्टर से मिले। दिन आज आपका बहुत अच्छा नहीं है, हर काम सोच समझ के ही करें तो फायदा होगा। जमीन जायदाद का काम करने में परहेज रखें, हर अनैतिक काम करने में परहेज रखें, अनैतिक ढंग से पैसे कमाने में परहेज रखें। आज के दिन शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध चढ़ावें और जितना दूध आप चढ़ाते हैं उतना दूध ही शिवालय के किसी भी पुजारी को दान करें, काफ़ी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। सिंह राशि, चंद्रदेव आपके सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं और मंगल के नक्षत्र में हैं, मंगल आपकी कुंडली में तृतीय स्थान पर बैठे हुए हैं, पराक्रम काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा। मंगल बुध सूर्य तीनों पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं और आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, ऐसे में पराक्रम काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन पराक्रम से काम कम करें और बुद्धि से काम ज़्यादा करें तो आज के दिन पार्टनरशिप के व्यापार में काफ़ी आपको फायदा होने वाला है। राहु आपके दशम स्थान में बैठे हुए हैं, राहु भी सूर्य के नक्षत्र में है, तो हर काम पराक्रम से आपको लाभ दिलाएगा, लेकिन अति पराक्रमी नहीं होना है। अगर आप अति पराक्रमी हो जाएंगे और गलत काम करने लगेंगे तो इसका भी आपको नुकसान ही होगा। द्वितीय भाव के स्वामी बुधदेव तृतीय स्थान में मंगल के साथ बैठे हुए हैं, यात्राएं काफ़ी होंगी, यात्रा होने के योग बहुत ज़्यादा हैं और यात्रा से आपको लाभ भी होने की संभावना है। पंचम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, शुक्र भी आपकी कुंडली में केतु के नक्षत्र में है, तो आज के दिन संतान पक्ष विशेष करके कन्या संतान से आपको लाभ होने की संभावना है। सिंह राशि वाले, आपका दिन आज बहुत ही अच्छा है, काफ़ी खुश दिखलाई देंगे आप, लेकिन
दांपत्य जीवन के स्वामी जीवन साथी हाउस के स्वामी शनि अपने हाउस से बारहवें में बैठे हुए हैं, यानी कि छठे में बैठे हुए हैं। साथ में बृहस्पति देव भी बैठे हुए हैं। बृहस्पति आपकी कुंडली में मंगल के ही नक्षत्र में है, तो जीवन साथी से बहुत लाभ होने की संभावनाएं कम है। दिन बहुत अच्छा है आज के दिन। आप शुक्रवार का दिन है, शुक्रवार का दिन है, शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाव है। ह्रीम शिवाय नमः, ह्रीम ह्रीम शिवाय नमः, ह्रीम का जाप करें, काफ़ी लाभ होगा। सूरज को भी जल चढ़ावें, माता के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें। पिता का भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा दिखलाई नहीं देता है। दिन आपका शुभ हो। कन्या राशि, चंद्रदेव आपके छठे स्थान में बैठे हुए हैं, कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। चंद्रमा मंगल के ही नक्षत्र में, मंगल आपको धन भाव में बैठे हुए हैं, द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं। पैतृक संपत्ति से काफ़ी लाभ होगा। पैतृक संपत्ति के जमीन जायदाद से आपको काफ़ी लाभ होने की संभावना है। जमा पूंजी में काफ़ी बढ़ोतरी होगी आपकी, लेकिन थोड़ा मन बेचैन रहेगा। सर्दी खांसी का भी प्रकोप आपको ज़्यादा रहेगा। 2:54 तक चंद्रमा मंगल के ही नक्षत्र में रहेंगे, तो जमीन जायदाद का काफ़ी जो भी डीलिंग करना है 2:54 के पहले कर लें। 2:54 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे सतविशा नक्षत्र में, जिसके स्वामी राहु हैं। राहु आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं, राहु भी सूर्य के नक्षत्र में है। तो 2:54 के बाद भाग तो कुछ प्रबल रहेगा, लेकिन 2:54 के बाद किसी भी तरह से जमीन जायदाद का कोई भी डीलिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं होगा। शनि और बृहस्पति देव दोनों बैठे हुए हैं पंचम स्थान पर, आय स्थान को देख रहे हैं, तो आय तो काफ़ी हो सकती है आपकी। बृहस्पति भी मंगल के ही नक्षत्र में है, तो जो आय होगा जमा पूंजी में आपकी वृद्धि होगी। आय होंगे और जमा पूंजी में आपकी वृद्धि होगी। आप पैसे को जमा करके रखेंगे, शेयर सट्टा लॉटरी से भी आपको काफ़ी फायदा मिलने जा रहा है। पूरे दिन शेयर सट्टा लॉटरी से आपको फायदा हो सकता है। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, पिता का भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रह सकता है। शुक्र आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं, घर के लग्जरियस सामान, घर के सजावट का काफ़ी सामान आप खरीद सकते हैं। शुक्र आपके सप्तम स्थान से आपके दसम स्थान को देख रहे हैं, तो दिन बहुत ही शानदार है आपका। जो व्यक्ति मॉडलिंग करना चाहते हैं, जो व्यक्ति सिंगिंग करना चाहते हैं, जो व्यक्ति फिल्मों में काम करना चाहते हैं, शुक्र आपके कुंडली में केतु के नक्षत्र में है। ऐसे में आप जितना प्रयास करेंगे उतना से ज़्यादा सफलता आज आपको मिलेगी। सिंगिंग, मॉडलिंग, फिल्मों में काम करने वाले, टीवी में काम करने वाले को सफलता मिलेगी। दिन मध्यम है आपका, शुक्रवार का दिन है। आज के दिन शुक्र के मंत्रों का जाप करें। शुक्र आपकी कुंडली में भाग्येश है। ओम द्रौम द्रीम द्रौम शह शुक्राय नमः, श्री शुक्तम का पाठ करें, काफी लाभ होगा, काफी लाभ होगा। दिन आपका शुभ हो। तुला राशि, चंद्रदेव आपके पंचम स्थान में बैठे हुए हैं, घनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में है। मंगल भी आपके लग्न में बैठे हुए हैं। क्रोध की भावना ज़्यादा रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे आप। मंगल भी राहु के नक्षत्र में है, राहु आपके अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं, तो ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको चोट लगने की बातें हो सकती है, चोट आपको लग सकता है, माथे में चोट लग सकता है, आप गिर सकते हैं सीढ़ी पर, जिससे आपके माथे में चोट लगने की संभावनाएँ प्रबल हैं। किचन में जाना आज के दिन पूर्ण वर्जित रखें आप, संतान पक्ष से काफ़ी लाभ मिलेगा, लेकिन किचन में ना जाएं। अग्नि से आज के दिन आप दूर रहें। बृहस्पति देव शनि दोनों देख रहे हैं चतुर्थ स्थान से आपके दसम स्थान में, तो कार्य क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि होगी आपकी। कार्य क्षेत्र परिवर्तन के भी आप सोच सकते हैं कि नए कार्य में जाना, नए कार्य में परिवर्तन, नया बिजनेस करना, इस पर भी आपका ध्यान जा रहा है। शेयर सट्टा लॉटरी से आपको काफ़ी फायदा होने की संभावनाएं हैं, लेकिन छोटा मोटा घटना दुर्घटना की संभावनाएं प्रबल हैं, चोट लगने की संभावनाएं प्रबल हैं। माता का भी स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। शुक्रवार का दिन है, शिव मंदिर जाएं, शिव मंदिर में गन्ने का जूस चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, नमः शिवाय का जाप करें, काफ़ी लाभ होगा आपका। दिन आपका शुभ हो।
वृश्चिक राशि चंद्रदेव आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं, घनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। घनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल आपके बारहवें में बैठे हुए हैं। माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। किसी भी तरह का यात्रा करना आज उचित नहीं होगा, यात्रा में आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 2:54 के बाद चंद्रदेव चले जाएंगे आपके राहु के नक्षत्र में, सतविशा नक्षत्र में, और राहु आपके सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं। व्यापार में भी थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, राहु सूर्य के नक्षत्र में ही है, सूर्य आपके बारहवें में बैठे हुए हैं, तो पार्टनरशिप के व्यापार से भी आपको परेशानी हो सकती है, पार्टनर से भी आपको परेशानी हो सकती है। मन काफ़ी बेचैन रहेगा, केतु तो आपके लग्न में बहुत दिनों से बैठे हुए हैं, केतु भी आपके कुंडली में शनि के नक्षत्र में है, आलस और नींद की ज़्यादा अधिकता रहेगी। बृहस्पति और शनि तृतीय स्थान से भाग स्थान को देखकर भाग को तो काफ़ी प्रबल कर रहे हैं, लेकिन कर्म भाव के स्वामी सूर्य देव आपके बारहवें में बैठे हुए हैं। हर काम सोच समझ के करें तथा पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की कोशिश करें, माता के स्वास्थ्य पर 2:54 तक विशेष ध्यान देने की कोशिश करें। जीवन साथी से भी आज आपको काफ़ी तनाव रह सकता है, तो दिन कहीं से भी आपका कहीं से भी आज बहुत अच्छा नहीं है। अगर दिन अच्छा नहीं है तो क्या हुआ, कर्म भाव के स्वामी आपके सूर्य काफ़ी पराक्रमी है कर्म के क्षेत्र में आप, और लगे रहें कर्म में सफलता तो मिलेगी ही आपको। लेकिन जो व्यक्ति विदेश से काम करते हैं, जो व्यक्ति विदेश से व्यापार करते हैं, उनके के लिए नया डील आ जा सकता है, उनको काम में काफ़ी फायदा हो सकता है। वृश्चिक राशि लग्न वाले आज के दिन सुंदरकांड का पाठ जरूर करें, साथ में रंग रामाय नमः हंग हनुमते नमः रंग रामाय नमः के मंत्रों का जाप करें, काफ़ी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। धनुराशि चंद्रदेव आपके तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं, कुंभ राशि में भाग भाव को देख के भाग को बहुत प्रबल कर रहे हैं, चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है, घनिष्ठा नक्षत्र में हैं, यानी मंगल के नक्षत्र में है, मंगल आपके एकादश स्थान में बैठे हुए हैं। काफ़ी छोटे मोटे यात्राएं होंगी, काफ़ी दौड़ धूप होगा और काफ़ी लाभ होगा। अगर आप जमीन का काम करते हैं, दवा का काम करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने की संभावना है, प्रबल है। 2:54 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे राहु के नक्षत्र में, राहु छठे स्थान में बैठे हुए हैं आपके, राहु भी सूर्य के नक्षत्र में है, तो बैंक से अगर लोन का आप अप्लाई किए हैं, दोस्तों से लोन का आप जिक्र किए हैं, तो आज के दिन आपको लोन भी मिलना लाजमी है और लोन भी आपको मिलेगा। जो व्यक्ति सरकारी नौकरी में है, प्रशासन में है, सेना में है, पुलिस में है, उनके के लिए भी दिन बड़ा ही शानदार है, बहुत ही शानदार दिन धनु राशि वाले आपका है। सूर्य मंगल और बुध तीनों आपके आय भाव में बैठे हुए हैं, डिजायर हाउस में बैठे हुए हैं, तो आपकी इच्छाएं आज काफ़ी पूरी होगी, ट्रांसफर और पोस्टिंग भी हो सकता है। सूर्य बृहस्पति के नक्षत्र में है और बृहस्पति आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, जितना आय होगा उस आय को आप संचित भी करेंगे आज के दिन, बड़ा ही सुंदर और खूबसूरत दिन है आज आपका। आप इस दिन का पूरा फायदा उठावें, काफ़ी रोमांटिक रहेंगे आप, शुक्र केतु के नक्षत्र में हैं और आज के दिन आप अच्छे अच्छे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी आप खरीद सकते हैं, अच्छी होटल में खाना खा सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ काफ़ी घूमने फिरने का आपका प्रोग्राम्स बनेगा, वाणी में भी आपकी मधुरता उपदेश देने वाली वाणी होगी। जो व्यक्ति ज्योतिषी हैं, आज के दिन जिस व्यक्ति को जो प्रिडिक्शन करेंगे उन्हें पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा। तो धनु राशि वाले दिन तो बड़ा ही शानदार है आपका, आज के दिन शिवालय जाएं, नारंगी का रस शिवलिंग पर चढ़ाएं और वहीं बैठकर गायत्री मंत्र का पाठ करें। गायत्री मंत्र का पाठ करना आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ कर होगा। धनु राशि वाले शनि की सरसाती का अंतिम ढैया चल रहा है, शनि आपको दे के जाएंगे, तो दिन आपका शुभ हो। मकर राशि चंद्रमा बैठे हुए हैं आपके द्वितीय स्थान पर, मंगल के नक्षत्र में, मंगल दशम स्थान पर बैठे हुए हैं, दिन बहुत ही शानदार है।
जमीन जायदाद से बहुत ही लाभ होगा। जो व्यक्ति जमीन जायदाद का बिक्री करते हैं, किराए और बिक्री करते हैं, जो व्यक्ति दवा का काम करते हैं, जो व्यक्ति ग्रोसरी का काम करते हैं, आज का दिन आपका काफ़ी शानदार है। और आज के दिन आय किए हुए धन को आप संचित भी करेंगे और मधुर भाषा बोलेंगे, चाहे दिल में कुछ भी हो लेकिन बोलेंगे आप मधुर भाषा। अत्यधिक खर्च की स्थिति बनती है लेकिन आज संचय करने पर आप अत्यधिक जोर देंगे। घर के सजावट का सामान आप खरीद सकते हैं, घूमने फिरने का भी प्रोग्राम आप बना सकते हैं। जो व्यक्ति पुलिस में है, जो व्यक्ति सेना में है, उनके के लिए दिन बहुत ही शानदार है। जो व्यक्ति ग्रोसरी का काम करते हैं, जो व्यक्ति अनाज बेचने का काम करते हैं, जो व्यक्ति टीचिंग का काम करते हैं, जो व्यक्ति कोचिंग इंस्टीट्यूट का काम करते हैं, जो व्यक्ति पढ़ाई लिखाई या कॉलेज चलाने का काम करते हैं, उनके के लिए भी दिन बहुत ही शानदार है। मकर राशि वाले, आज आपका दिन बहुत ही शानदार है। शुक्रवार का दिन है, शिव मंदिर पर दही चढ़ावें और 1.25 किलो दही आप किसी भी पुजारी को आप दान करें, काफ़ी लाभ होगा। दिन बहुत अच्छा है, अच्छे दिन का फायदा उठावें, आप मेहनत करें, दिन आपका शुभ हो। कुंभ राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आप ही की राशि पे कुंभ में, और चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है। मंगल आपके भाग भाव में बैठे हुए हैं, भाग बड़ा ही प्रबल रहेगा आपका। घूमने फिरने का प्रोग्राम बनावेंगे आप, पराक्रम भी आपका काफ़ी प्रबल रहेगा। पराक्रम से आज आप हर काम कर सकते हैं। 2:54 तक चंद्रमा रहेंगे घनिष्ठा नक्षत्र यानी मंगल के नक्षत्र में। 2:54 के बाद चंद्रदेव चले जाएंगे सत्विशा नक्षत्र में यानी राहु के नक्षत्र में। राहु आपके बैठे हुए हैं चतुर्थ स्थान पे, माता का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, लेकिन सत्विशा नक्षत्र में चंद्रमा है तो राहु भी थोड़ा बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा परेशानी कम कराएंगे आपको, लेकिन राहु सूर्य के नक्षत्र में है और सूर्य जो है नीच के होके आपके भाग भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य बृहस्पति के नक्षत्र में है, बृहस्पति बाड़मे में है। ऐसे में जो व्यक्ति विदेश से काम करना चाहते हैं उनके के लिए बेहतरीन समय है। जो व्यक्ति विदेश जाना चाहते हैं उनके के लिए बहुत ही बेहतरीन समय है। जो व्यक्ति अपना किताब वगैरह का प्रकाशन करना चाहते हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए काम करना चाहते हैं, उनके के लिए समय बहुत अच्छा है। केतु बैठे हुए हैं आपके दशम स्थान में, केतु शनि के ही नक्षत्र में है, शनि बाड़मे में बैठे हुए हैं। स्थान परिवर्तन, नया काम करने की शुरुआत आप कर सकते हैं। संतान पक्ष के स्वामी आपके पंचम स्थान के स्वामी नवम में बैठे हुए हैं, बेहतरीन नवम पंचम योग दे रहे हैं। संतान को काफ़ी उन्नति होने की संभावना है, संतान का बहुत अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन होने की संभावना है, संतान को उच्च शिक्षा ग्रहण करने की संभावना है, संतान को विदेश जाके उच्च शिक्षा ग्रहण करने की संभावना है। सर्दी खांसी से थोड़े आप परेशान रह सकते हैं। 2:54 के बाद मन थोड़ा सा आपका बेचैन रह सकता है, माता की तरफ मन बहुत ज़्यादा भटकेगा आपका, माता के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होंगे आप और मन थोड़ा सा आपका भटकेगा, भ्रम में पड़ेंगे। जो व्यक्ति को नस का प्रॉब्लम है वो थोड़े अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि बुधदेव 15 डिग्री पर, मंगल 14 डिग्री पर, सूर्य 25 डिग्री पे हैं। तो सूर्य बुध के बीच में बैठे, सूर्य और मंगल के बीच में बुध बैठे हुए हैं, तो बुध काफ़ी परेशान हैं अभी। नस के कारक भी होते हैं, तो नस के रोगी थोड़ा सा अपना स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। दिन बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत बुरा भी नहीं है। आज के दिन आप सुंदरकांड का ही पाठ करें, शनि की सरसाती भी आपको, शनि भी चंद्रमा के ही नक्षत्र में है, स्वास्थ्य में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम रहेगा। कुछ लोगों को सांस की बीमारी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम में आज दे सकती है, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, डॉक्टर से मिले। दिन मध्यम ही है, सुंदरकांड का पाठ करना अति उत्तम होगा, काफ़ी लाभ होगा। सुंदरकांड का पाठ करें, दिन आपका शुभ हो। मीन राशि, चंद्रदेव आपके बारहवें में बैठे हुए हैं और मंगल के नक्षत्र में है, मंगल आपके अष्टम में बैठे हुए हैं। आज के दिन किसी भी तरह का यात्रा करना बहुत ही भारी पड़ेगा, बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएगा किसी भी तरह का यात्रा करना। दिन कहीं से भी अच्छा नहीं है,
2:54 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे राहु के नक्षत्र में, राहु तृतीय में बैठे हुए हैं, लेकिन राहु भी सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य भी आपके अष्टम में बैठे हुए हैं। तो आज का दिन बहुत अच्छा दिन आपका नहीं है, पूरी तरह से संयम से रहें, अत्यधिक खर्च करने की कोशिश न करें, क्योंकि इनकम तो थोड़ा बहुत होगा और खर्च आपका बहुत ज़्यादा होगा, जिसके कारण आप काफ़ी परेशानी में रहेंगे। तो ज़्यादा खर्च न करें, खर्च पर थोड़ा ध्यान रखें। शुक्र आपके बैठे हुए हैं दशम स्थान में, शुक्र आपके कुंडली में भी केतु के नक्षत्र में है और केतु आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। लग्जरी सामान खरीदने का योग काफ़ी बन रहा है आपका। कर्म के क्षेत्र में स्त्री पक्ष से आपको मदद मिलेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य से आपको थोड़ा परेशानी रहेगा। जीवन साथी के हाउस के स्वामी बुध आपके अष्टम में बैठे हुए हैं, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य से भी आपको परेशानी मिल सकता है। पार्टनरशिप में किया हुआ व्यापार से भी परेशानी मिल सकता है। जो व्यक्ति जमीन का काम करते हैं, जो व्यक्ति फ्लैट बनाने का काम करते हैं, उन्हें भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मीन राशि वाले, दिन आज आपका कहीं से भी अच्छा नहीं है। आज के दिन आप शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध चढ़ावें और चढ़े हुए दूध का टीका माथे में लगावें तथा गायत्री मंत्र का पाठ शिवालय में ही कम से कम 108 बार करें, काफ़ी लाभ होगा। दिन आपका शुभ हो। राशिफल की श्रृंखला में इतना ही। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।